नमस्कार मित्रों, जय जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल हमने चर्चा शुरू की थी और आपको बतलाया था कि 11 अक्टूबर 2021 को प्रातःकाल करीब 7:30 बजे कर्म के कारक शनि मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 23 मई 2021 को वक्री हुए थे और उसके बाद अब ये मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में। तो इनका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर मैंने बात शुरू की थी और आपको दो राशियों के फल भी बता दिए थे, मेष और वृषभ। आज के इस वीडियो में मैं शेष बची राशियों के फल बतलाऊंगा। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि से। देखिए, मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं, ढैया चल ही रही है। शनि के मार्गी होने से थोड़ी राहत अवश्य मिलेगी, धर्म कर्म अध्यात्म में रुचि जागृत होगी, कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन अभी भाग्य भरोसे रहना ठीक नहीं होगा, लगातार परिश्रम करने की ज़रूरत है तभी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आ रही उलझने थोड़ी सी कम होंगी, राहत मिलेगी, अचानक धन लाभ या अनापेक्षित लाभ के भी संकेत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य रूप से स्थिति ठीक रहेगी, संतान पक्ष के संबंध में थोड़ी चिंता अवश्य रहेगी। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा के, विदेश यात्रा के भी संकेत मिलते हैं। जीवन साथी के लिए ये वक्त उत्तम है, करियर संबंधी समस्या का समाधान होगा और उन्हें आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाहन आदि सावधानीपूर्वक चलाएं, साफ सुथरी जीवन शैली अपनाएं। कर्क राशि, आपके सप्तम भाव में ये गोचर पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। वक्री शनि आपको जो दिक्कतें दे रहे थे वे अब थोड़ी कम हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र जो भी हो, आपका नौकरी हो या व्यापार, तरक्की के योग हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा व संतान के लिए अभी कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले से दिक्कतें कम ज़रूर होंगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से वक्त ना पहले अच्छा था ना अब। बहुत धैर्य से काम लें, मधुरता बनाए रखें। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन आदि के मामलों में सफलता मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह संबंध पक्के होंगे, विवाह संबंध में बंधेंगे, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचने की ज़रूरत है। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में प्रमोशन आदि के अच्छे योग हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष फायदे के योग हैं। सिंह राशि, देखिए आपके अष्टम भाव में शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं, आपके करियर के लिहाज से उत्तम समय है, प्रमोशन इंक्रीमेंट आदि के योग हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। वैसे जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा उसमें तरक्की अवश्य होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन समय है। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये वक्त थोड़ा अधिक परिश्रम करने का रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष के संबंध में थोड़ी चिंता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तनातनी के संकेत हैं। वाद विवाद तकरार से बचे रहें, प्रॉपर्टी संबंधी विवादों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही न करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, वाहन आदि संभल कर चलाएं। कन्या राशि, आपके पंचम भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कार्यों में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आएंगी। सफलता के लिए संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार में बहुत संभल कर कार्य करें, आलस्य से बचें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। अभी थोड़ी बहुत मानसिक अशांति तो रहेगी, हालांकि अब आपकी रुचि धर्म कर्म अध्यात्म में ज़्यादा रहेगी, इसलिए योग साधना ध्यान के लिए ये वक्त उत्तम है। शिक्षा व संतान के लिए समय अब अच्छा है, संतान प्राप्ति के योग हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, यात्राओं के भी योग हैं। जान पहचान का दायरा बढ़ेगा, मित्रों से लाभ के योग बनते हैं। और अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के चतुर्थ भाव से शनि का गोचर चल रहा है, शनि अब मार्गी हैं, इसलिए शनि ढैया का पूर्ण प्रभाव रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद से बचें, माता जी की सेहत का ध्यान रखें, संबंधों को संभालिए, खुद के स्वास्थ्य को भी। घरेलू जिम्मेदारियाँ और उलझने बढ़ेंगी, धैर्य धारण किए रहें। हालांकि ये वक्त आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है, इसका लाभ उठाएं। धर्म कर्म अध्यात्म
और प्राची विद्या में आपकी रुचि जागृत होगी। रोजी रोजगार नौकरी व्यापार के लिए वक्त बहुत अच्छा है। आमदनी बढ़ेगी, अचानक धनागमन के भी संकेत हैं। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। संतान पक्ष चिंता का कारण बनेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत तनातनी के योग हैं। मधुरता बनाए रखें और गलत फहमी से बचें। मित्रों, शेष राशियों के फल मैं कल के वीडियो में कहूँगा। फिलहाल अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जय सियाराम, नमस्कार।